नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं अनीशा नायर धवन। आज एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी सब यही मान रहे हैं मिहिर की 10,300 10,400 के बीच में रहेगी, पर बॉन्ड्स पे सबको चिंता अब हो रही है क्योंकि यूएस में ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि वहाँ महंगाई की दर बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ इंटैक्ट है, पर वही 3% के पास उनकी बॉन्ड गिल्स आ गई है और उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो महंगाई की दर बढ़ने का जो ट्रिगर है यूएस में, एक्चुअली इट इज़ गोइंग अप फास्टर देन एक्सपेक्टेड, तो उस वजह से जो बॉन्ड गिल्ड है उसमें थोड़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी है और वो भी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो यही एक सबसे बड़ा ट्रिगर है आज के लिए, बिकॉज इसका सीधा इम्पैक्ट डाउ जोन्स पर देखने को मिला और एसजीएक्स निफ्टी भी इसके चलते कमज़ोर है। सिमिलरली आज एक्सपायरी है, अब उम्मीद है कि 10,300 से 10,400 के बीच में हो सकता है आज निफ्टी की सेटलमेंट हो। उधर जो ऑडिटर्स हैं उसके ऊपर बड़ा शिकंजा कस सकता है। कल हमने इस पर इनफैक्ट एक मुहिम भी चलाई थी कि आखिरकार ऑडिटर्स की जवाबदेही कब होगी इसमें, तो आज इस पर बड़ी खबर हम दिन भर आपको बताने वाले हैं, बिकॉज सरकार इस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है और साथ ही आम आदमी के लिए और एक झटका, जो ईपीएफ है उस पर अब ब्याज जो है वो और घट गया है, 10 बेसिस पॉइंट से ब्याज की दर घट गई है। तो ये वो ट्रिगर्स हैं जिसके आधार पर बाजार आज रिएक्ट करेगा, लेकिन आज एक्सपायरी है वो अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है। आशंका यही है कि आज भी बाजार दायरे में ही रहेगा, कल भी मार्केट को लार्जली अगर आप देखें तो 10,300 से 10,400 के बीच में फंसा हुआ रहा ये, और अब ये लग रहा है कि ये जो विक्स है वीक्स में गिरावट देखने को मिली है, तो कम से कम ये लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग कि जो डाउन साइड है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, यानी 10,300 के नीचे हो सकता है बाजार नहीं फिसले। सिमिलरली आईटी स्टॉक्स जो हैं उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता रह सकता है, आईटी में मजबूती जारी रह सकती है, लेकिन हाँ जो पीएसयू बैंक्स है उसमें हो सकता है कल जिस तरह से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, हो सकता है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं उसमें मजबूती आज थोड़ी बहुत देखने को मिले। जैसे हमने कहा कि जो 10,300 का लेवल है वो क्रिटिकल है निफ्टी के लिए, अगर इस लेवल को ब्रीच करके निफ्टी 10,276 के भी नीचे फिसल जाता है तो फिर वो दायरा ओपन हो जाता है 200 मूविंग एवरेज तक, यानी 10,070-10,080 तक का लेवल है जहां तक निफ्टी फिसल सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये एक्शन मार्च में प्ले आउट हो, मार्च की सीरीज में। वैसे आज शुरुआत मार्केट की थोड़ी वीक हो सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत इतने अच्छे नहीं है। सिंगापुर निफ्टी अभी करीब 40 पॉइंट नीचे है, निके 1% से ज़्यादा नीचे। चाइनीज़ मार्केट्स में हम अलग चाल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ मार्केट्स पूरी एक हफ्ते के बाद खुली हैं न्यू ईयर हॉलीडेज़ के बाद, तो वहाँ हम ग्रीन टेक देख रहे हैं, पर हैंगसेंग 1% नीचे, कॉस्पी 0.5% नीचे, ताइवान 0.5% नीचे, तो जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो आज पॉजिटिव नहीं है। एक चीज़ ये है कि आज क्रूड ऑयल प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है और ये हमारी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, पर शुरुआत लगता है थोड़ी कमज़ोरी होगी हमारी मार्केट्स के लिए। बिल्कुल, चलिए अब देख लेते हैं ओवरऑल जो रुझान है या फिर सेटअप है वो कैसा देखने को मिल रहा है, और साथ ही आज एफएनओ के ट्रिगर्स जो हैं क्योंकि आज एक्सपायरी है, अब आज कम से कम कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि बैन में हैं तो उसका भी एक बार जायज़ा ले लेते हैं। बलरामपुर चीनी, फोर्टिस हेल्थकेयर, जीएमआर इंफ्रा, आईएफसीआई, जैन इरिगेशन, जेपी एसोसिएट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि बैन में हैं, और डिश टीवी एक काउंटर है जो कि एफएनओ बैन से बाहर निकला है फिलहाल। लेकिन कल का भी जो एफआईआई का रुझान था उससे अगर आप देखें तो वो जो बिकवाली का सिलसिला है वो चल ही रहा है उनकी तरफ से, कल भी एफआईआई का आंकड़ा जो था वो नेगेटिव ही था मार्केट के लिए। डीआईएस की तरफ से बाइंग ज़रूर हुई है लेकिन ये एफआईआई जो है अभी भी मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के मूड में नहीं है और इसका इम्पैक्ट कुछ हद तक मार्केट पर देखने को मिला। मार्केट थोड़ा शैलो भी है इस समय। अब अगली जो सीरीज़ होगी मार्च की सीरीज़, इसमें और एक ट्रिगर होगा वो ये होगा कि क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है तो कई जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी जो ओपन पोजीशंस होती हैं स्पेशली मार्जिन लेड उसको वाइंड अप करते हैं, तो उसके चलते हो सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल अच्छा खासा रहे। कल जो रोल ओवर का आंकड़ा था वो था करीब 39% के आसपास का, तो वही जो एक एवरेज 45-46-48% के आसपास का रोल ओवर है हो सकता है वही देखने को मिले आज भी मार्केट में यहाँ पर। लेकिन एक जो बड़ा इम्पैक्ट है, कल आपको याद होगा दिन भर हमने ये सवाल उठाया था कि आखिरकार ऑडिटर्स जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी और उनको जवाब कब देना पड़ेगा, इस पर आज हमारी बड़ी कवरेज है।
तो पीएनबी महाघोटाले पर जी बिजनेस की जो मुहिम है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार ऑडिटर्स पर नकेल कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सरकार नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA के गठन के लिए नोटिफिकेशन ला सकती है। इस अथॉरिटी के पास दोषी ऑडिटर्स का लाइसेंस सस्पेंड करने से लेकर उन्हें भारी जुर्माना लगाने तक का अधिकार भी होगा यहाँ पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक, बड़ी खबर, परसों वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने भी ये सवाल उठाया था कि जो ऑडिटर्स हैं वो कर क्या रहे थे पीएनबी में, अगर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था तो। कल भी हमने ये सवाल उठाया था और अब लग रहा है कि सरकार इस पर हरकत में आ रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार की नजर और खासतौर से प्रधानमंत्री की नजर डिमोनेटाइजेशन के टाइम से ही सीएस के कामकाज पर थी। हालांकि उस वक्त भी सीएस 5 से 6 CA के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन चूंकि वो कार्रवाई ICAI यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जो है उसने किया था, और उसमें जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है 1949 उसके तहत मैक्सिमम जो प्रावधान है 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये बहुत कम अमाउंट है, और जो इस तरह के ग्रॉस नेग्लिजेंस के मामले हैं, मिसकंडक्ट के मामले हैं, उसको देखते हुए ये अमाउंट काफी कम है। और सरकार का ये मानना है, जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, कि ये अमाउंट बहुत कम है और ये ऑडिटर्स और जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके पैमाने पर दुरुस्त नहीं बैठता है। तो ऐसे में सरकार के पास ये ऑप्शन पहले से खुला हुआ है, क्योंकि 2013 में ये कंपनीज एक्ट पास हुआ था और उसमें जो नेशनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको बनाने का प्रोविजन है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। और उसके लिए सरकार ने कोशिश की है, आपने देखा होगा पिछले साल ही 2017 में सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट के बाद जो जो 10 साल तक की जो मेंबरशिप रद्द करने का और 10 साल तक जो फीस का 10 गुना बढ़ाने का जो प्रोविजन था वो पिछले साल सरकार ने कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट करके लेके आई है। तो जाहिर सी बात है सरकार इस चीज को लेकर काफी पहले से तैयारी कर रही है, और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार अब इसको जल्द नोटिफिकेशन ये लागू कर सकती है। और ये लागू हो जाने के बाद जो ऑडिटर्स हैं पीएनबी मामले में, आपने देखा होगा कि 4-4 लेयर ऑफ जो ऑडिटर्स थे उनके नाक के नीचे क्या कहें फिर मिली भगत से ये सारा इतना बड़ा घोटाला हुआ, और जनता के पैसे की बर्बादी हुई, एक चेकर का नुकसान हुआ, कितना हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो इसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को फिक्स करनी है, और सरकार इस बात को लेकर कमर कस चुकी है, सरकार एक्शन में है, और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का गठन हो सकता है। सरकार इसका जल्द ऐलान करे, इसके लिए नोटिफिकेशन लेके आए, क्योंकि सरकार को इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन लाना है और उसके जरिए इस अथॉरिटी का गठन हो सकता है। थैंक यू आलोक ये सब जानकारी देने के लिए। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने पीएनबी घोटाले पर अपनी बेबाक राय दी है। उन्होंने कहा कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चूक कहां हुई इसकी जांच होनी चाहिए, ऑडिटर्स की गलती को नकारा नहीं जा सकता है, जांच की जो कुछ भी जांच से जो कुछ भी निकल के आए उसे सभी बैंकों के साथ साझा करना चाहिए। ये एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से की, सुन लेते हैं। वित्त मंत्री ने भी कल काफ़ी सफाई से कहा कि जो पीएनबी का मामला हमने देखा उसमें जो ऑडिटर्स की भूमिका थी, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटर हो या फिर इंटरनल ऑडिटर हो, वो भी उन्होंने अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया, मैनेजमेंट पे भी सवाल उठाए। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखा जाना चाहिए था, और ऑडिटर्स की भूमिका को कैसे और मजबूत किया जाए? नहीं देखिए, इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है आज के टाइम में वो भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे में अगर आपका रिस्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर कमज़ोर है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हो जाएंगी और होएंगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो 3 lines ऑफ डिफेंस रिस्क गवर्नेंस का एक आधार, जिसमें कि पहली लाइन ऑफ डिफेंस तो आपकी वो शाखाएँ ही होती हैं जहाँ पे कि ट्रांजेक्शन्स का जो है ओरिजिनेशन होता है, लेन देन होता है, उसको मजबूत करना, जहाँ पे कि लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छी इंटीग्रिटी के हों और स्किल्ड हों, नॉलेजेबल हों, वो एक काम है। उसके बाद फिर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, रीजनल मैनेजर हैं या DGM है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। और जो तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस है वो डेफिनेटली इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, RBI ऑडिट। तो ये एक बड़े थोड़ा आश्चर्य की बात ज़रूर लगती है कि तीनों लाइन ऑफ डिफेंस वो अगर क्रैक कर जाएं तो ये एक, मुझे लगता है कि वन ऑफ इंसिडेंट है,
लेकिन इससे लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। जब पीएनबी का मैनेजमेंट और उनका बोर्ड इसकी पूरी समीक्षा करेगा तो मुझे आशा है कि वो उनकी जो इंटरनल फाइंडिंग्स हैं वो सारे बैंकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उसके आधार पर सारे बैंकों को एक गैप एनालिसिस करके और जहाँ पे भी कोई कमजोरी है व्यवस्था में उस व्यवस्था को सुधारने का कार्य जोर शोर से और बहुत तेजी से करना होगा। सर, एक सवाल स्विफ्ट को लेकर है, जो स्विफ्ट सॉफ्टवेयर है क्या वो सीवीएस से इंटरलिंक नहीं है? क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी अब आ गई है जिसको अपग्रेड करके इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके? सिस्टम में इंटरलिंक्ड है, स्टेट बैंक में हमारा जो एग्जिम बिल है जिससे कि सारा ट्रेड फाइनेंस होता है तो उससे स्विफ्ट लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि हर एक बैंक में ऐसी स्थिति है, लेकिन स्विफ्ट अगर लिंक नहीं भी है, अगर एक बार ये मान लिया जाए उसके बाद भी जो कंट्रोल्स और ऑडिट और क्रॉस चेक, तो सफिशिएंट वेज एंड मीन्स आर अवेलेबल कि इस तरह की सिचुएशन ना हो। लेकिन स्विफ्ट को सीबीएस या एग्जिम बिल से लिंक करना और ये इंश्योर करना कि जो भी मैसेज जाता है वो उस सॉफ्टवेयर की और अकाउंटिंग की एंट्रीज पास होने के बाद मैसेज जाए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क मिटिगेशन फैक्टर है और इसकी तरफ सारे बैंकों को ध्यान देना होगा। और अगर कहीं पे भी इसमें कोई कमी है या लिंकेज प्रॉपर नहीं है या कोई भी व्यवस्था में गैप है उसको एकदम इमीडिएटली उस गैप को ख़त्म करना होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, इस इंसिडेंट के बाद सारे सरकारी बैंकों पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं, मैनेजमेंट पे, गवर्नेंस को लेकर, घटना एक भले हो लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गवर्नेंस में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, किस तरीके से सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन हो या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, किस तरीके से मैनेजमेंट कंट्रोल हो, ऑडिटिंग की पॉलिसी किस तरीके से अपनाई जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और सरकार को या फिर आरबीआई को या फिर बैंकों को भी किस और कौन से कदम उठाने चाहिए? नहीं, कदम तो अब इसमें तो पूरा मैं समझता हूँ पूरा दिन निकल जाएगा इसका डिस्कशन करने पर, लेकिन बेसिक जो गवर्नेंस स्टार्ट होता है वो बोर्ड और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट से होता है। तो यू नीड ए क्वालिटी बोर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट, डाउन द लाइन आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या इथिक्स हैं, क्या रिस्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्या आपका रिस्क एपिटाइट फ्रेमवर्क है। जो मान लीजिए स्टेट बैंक का एक रिस्क लेने की क्षमता है वो एक छोटे बैंक की नहीं होती है, जो पीएनबी की मान लीजिए क्षमता है वो एक छोटा बैंक मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो उनकी क्षमता में, पीएनबी की क्षमता में, स्टेट बैंक की क्षमता में, सब में फ़र्क होता है। तो हर एक को पहले तो ये तय करना होगा कि हम किस तरह का बिजनेस करें और अपनी क्षमता अनुसार रिस्क लें। और जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जो रिस्क गवर्नेंस आर्किटेक्चर है उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसके लिए सुझाव अवेलेबल नहीं है या आपको कंसल्टेंसी नहीं मिल सकती है या आप जो है एक उसका रोड मैप नहीं बना सकते। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, हमारे साथ अब राजेश सतपुते मौजूद हैं और साथ ही अविनाश गोरखशेखर हमारे साथ हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहले तो राजेश, क्या है आपका व्यू आज के लिए? एसजीएक्स निफ्टी तो है प्रेशर में थोड़ा बहुत, लेकिन लार्जली लग तो यही रहा है कि 10,300 और 10,400 ये रह सकता है दायरा। प्रोबेबली वही लगता है मिहिर, क्योंकि 10,300 तो भली भांति बाजार ने होल्ड किया, सामने जो हमें लग रहा था कि 10,450 के परे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो भी हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है वो 10,350 है। 10,350 पे आप देखो जब जब निफ्टी आता है तो वहाँ से रिबाउंड लेता है, भला 30-40 पॉइंट का भी हो लेकिन रिबाउंड ले रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए अगर सोचना है तो 10,350 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा जहाँ पे एक लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड होगा 10,350 के ऊपर लॉन्ग होगा, 10,410 के आसपास का टारगेट होगा। और मुझे लगता है कि जो पोजिशनल जैसे कि ट्रेडर है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, उनका जो स्टॉप लॉस होगा पोजिशनल ट्रेडर के लिए वो 10,270 के नीचे होगा कि जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। लेकिन मीर मुझे इन पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि जो बाजार है निफ्टी जो है वो इसका एक जो करेक्शन है ये इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नज़दीक है 10,300 के आसपास। अगर आप ओवरऑल देखो तो करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिक भी बीटन डाउन है मार्केट, तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रैप हो सकता है, तो अवॉइड शॉर्ट जितना हो सके, भला आपको लॉन्ग में कंफर्ट नहीं है वो बात अलग है, लेकिन शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एट दिस लेवल। मुझे लगता है रिबाउंड आएगा मार्केट में। ठीक है अविनाश, आपको क्या लगता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 10,000 के पास पहले जाए पुलबैक से पहले?
मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली जो भी ग्लोबल क्यूज है उसी से ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन अभी लेगा. मेरे ख्याल से अगर FIIs की बिकवाली कंटिन्यूसली ज़्यादा मोमेंटम में बढ़ती है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को प्रेशर मिल सकता है. जैसे सभी को पता है कि कंटिन्यूसली FIIs सेल कर रहे हैं तो लिक्विडिटी का प्रेशर तो ज़रूर है. ओवरऑल जो अर्निंग्स ट्रिगर्स है हमको लग रहा है कि मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि PSU बैंकों में आगे चल के अगर कोई और नेगेटिव सरप्राइज आता नहीं है तो मार्केट्स करीबन ये लेवल पे सेटल हो जाएंगे. तो एटलीस्ट इन द नियर टर्म हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी बिकवाली आएगी. बट येस ऑन द अपसाइड मार्केट्स में डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे 10,500-10,600 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा. तो मेरे ख्याल से इस समय मार्केट्स विल बी इन कंसोलिडेशन मोड और ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी है जहाँ पे होपफुली FY19 इज गोइंग टू बी गुड वहीं पे थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग होगी. बट ओवरऑल मार्केट्स विल बी इन अ कंसोलिडेशन जोन. बिल्कुल, तो मार्केट्स में कंसोलिडेशन थोड़ा सा जारी रह सकता है. और कुछ और कॉल्स भी आपसे लेंगे लेकिन आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं. रजत हमारे साथ हैं. रजत बताइए. बिल्कुल, सरकारी बैंक्स पे दबाव रहेगा आज ऐसा लग रहा है. IDBI कैपिटल मान रहा है कि SBI इसमें आप बेच कर चलें दिग्गज बैंक है लेकिन करेक्ट होगा. इस सीरीज का अंडर परफॉर्मर है. नेक्स्ट टारगेट फिर से 263 का लेवल, स्टॉप लॉस 276. बेच कर चल सकते हैं. खरीदना है तो टाटा कॉफी ये स्टॉक ठीक है. निचले स्तरों से माइनर खरीदारी देखने को मिल रही है लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर पुल बैक सस्टेन कर जाए. 137 का एक टारगेट रहेगा और 130.9 का लगाना होगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस. चॉइस ब्रोकिंग की दो बिकवाले की सलाह आई है. पहली है डाबर पे जिसमें मान रहे हैं कि इस स्टॉक को बेच कर चलें. फरवरी में लगभग 5% से ज्यादा टूट चुका है. अब 325 ये नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट और 340 कैश में एक स्टॉप लॉस लगाना होगा. और HDIL एक और स्टॉक जिसको बेच कर चल सकते हैं. टारगेट्स ओपन है इसमें 46 से 47 की रेंज के. स्टॉप लॉस आपको 50.5 का इस ट्रेड के लिए लगाना होगा. खरीदा तो पिडिलाइट ये स्टॉक का लेटर हाफ में बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था. स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव है. 940 का टारगेट है. 885 के एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग पोजीशंस ली जा सकती हैं. इन्वेस्टर पॉइंट की दो खरीदारी की राय है. एक है भारत फोर्ज जिसमें 775 का टारगेट है. 748 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस. और एक है NIT टेक. IT स्पेस में खरीदारी है. NIT टेक अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है. 816 का रखें टारगेट और 787 का होगा एक स्टॉप लॉस. चलिए ये सब कॉल्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजत. राजेश, आज एक्सपायरी के लिए क्या आपकी टॉप बेट्स हैं कैश मार्केट में? देखिए इन इन पर्टिकुलर एक्सपायरी के हिसाब से मैं नहीं यहाँ पे देना चाहूँगा क्योंकि जहाँ पे पुल बैक आ रहा है वो स्लाइटली फीजल आउट हो रहा है. तो हम लोग थोड़ा सा एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी दे रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन एक अट्रैक्टिव लेवल पे है और जो अपने सपोर्ट के कहीं आसपास है. तो जिसमें मुझे लगता है इन पर्टिकुलर अगर आज की बात करें तो औरोबिंदो फार्मा, मुझे लगता है औरोबिंदो फार्मा में अच्छी खासी करेक्शन है. लो बीटा है. ऐसे मार्केट में ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं. जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो लगभग आपको 560 का करना है और अगले एक्सपायरी के लिए यानी मार्च सीरीज के लिए इसका टारगेट रहेगा 640 का. सेकंड बाय कॉल रहेगा टाटा मोटर्स पे. हमें लगता है कि टाटा मोटर्स 440 से लेके बहुत अच्छा डीप करेक्शन इसमें हुआ है. 365 नॉट ए बैड टाइम टू री एंटर द काउंटर. बाय करें विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 350. मुझे लगता है टारगेट जो रहेगा इनिशियल टारगेट जो हमें पता है 400-404 तक तो आता ही है. तो इस लेवल के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे लगता है कि इस दोनों काउंटर में अच्छा है. बिल्कुल, चलिए तो ये काउंटर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं. अविनाश, आपके क्या हैं कोई कॉल्स हैं इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए? ना आई थिंक मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए हमको भारत फौज पसंद है. हमको लग रहा है कि कंपनी के जो तीसरे तिमाही के नतीजे थे प्लस जिस प्रकार की गाइडेंस और कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी है डेफिनेटली डोमेस्टिक एज वेल एज जो US मार्केट की मार्केट्स है ये इनके लिए अच्छी तरह से प्ले आउट होगी. तो यहाँ पे करीबन 6-12 महीने का कॉल हमारा बाय का है. यहाँ पे 900 का टारगेट रहेगा. दूसरा टाटा स्टील हमको पसंद है. हमको लग रहा है कि नॉट ओनली कोर बिजनेस बट ये भूषण स्टील का जो NCLT का मैटर है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नतीजा आने की पॉसिबिलिटी और अगर ऐसा होता है तो इनके लिए एक रेडीमेड यू नो प्लांट अवेलेबल मिलेगा. तो यहाँ पे भी डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट कॉल है. यहाँ पे करीबन 700-710 का टारगेट प्राइस लेके इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है. ठीक है, तो टॉप बेट्स जो हमारे जानकार अभी हमारे साथ है टाटा मोटर्स और औरोबिंदो फार्मा, राजेश सतपुते को पसंद है और भारत फोर्ज और टाटा स्टील अविनाश को पसंद है. अविनाश को लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दो स्टॉक्स में की जा सकती है. राजेश, कल हमने देखा IT में अच्छी मजबूती थी, वहाँ आप कुछ बेट्स लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए?
देखिए शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रेंथ दिखा कल इन पर्टिकुलर, मुझे लगता है कि TCS में ज़्यादा दिखा। इनफैक्ट कल हमने रिकमेंडेशन भी दिया था, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें बायस जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। बाजार के लिए, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए आज से अगर सोचे तो मुझे लगता है TCS एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक रहेगा। अगर आज के हिसाब से सोचना है तो TCS में 3020 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है। कल लास्ट में हमने देखा 3060 बना के ये फिजल आउट हुआ था, 3040 के आसपास का इसका लो है। देर इज अ प्रोबेबिलिटी इतना चलने, 100 रुपये चलने के बाद मे बी 15-20 रुपये थोड़ा माइल्ड करेक्शन आए, लेकिन मुझे लगता है दैट शुड बी यूज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ऑन इंट्राडे बेसिस वो रहेगा 2990 का। हमें लगता है कि 3100 तक का टारगेट आज या कल तक आना चाहिए। अब वक्त है ये जानने का कि आज कौन से शेयर्स हैं जिस पर खबरें हैं और उसके चलते आपको नजर रखनी चाहिए। सुमित हैं हमारे साथ, सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर, आज खबरों वाले शेयरों से ज्यादा जो ट्रिगर्स है, इनफैक्ट निफ्टी में शामिल, निफ्टी से बाहर, मिड कैप में शामिल, मिड कैप से बाहर, बैंकिंग में शामिल, बैंकिंग में बाहर, तो ऐसे कई सारे शेयरों पर नजर रखें। इसमें अंबुजा सीमेंट हुआ, और अरबिंदो फार्मा, बॉश, ये तीनों निफ्टी से बाहर हो रहे हैं, और इनके बदले में बजाज फिनसर्व, ग्रासिम और टाइटन ये आ रहे हैं। दोनों की जो वेटेज है वो एग्जैक्टली सेम है, इसलिए वेटेज में बदलाव नहीं होगा किसी भी स्टॉक की, लेकिन कंटेंट जो है उसके अंदर ज़रूर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पर बजाज फिनसर्व यानी कि जो NBFC स्पेस है वो अब निफ्टी के काफ़ी समय पहले निफ्टी में होता था लेकिन फिर बाहर हुआ और फिर वापस दोबारा अब शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मिड कैप के अंदर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें दीवान हाउसिंग, ग्लेनमार्क फार्मा, टाटा पावर, रैमको सीमेंट, टोरेंट पावर, ये कुछ ऐसे टोरेंट फार्मा, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि मिड कैप के अंदर शामिल हो रहे हैं। इनको रिप्लेस कर रहा है अदानी इंटरप्राइजेस, IRB जैसे शेयर हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल शेयर यहाँ पे भी बाहर हो रहे हैं, यहाँ पे भी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज अंदर आ रही हैं। तो आज आप हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर नज़र रखें, बजाज फिनसर्व, दीवान हाउसिंग, आदित्य बिरला कैपिटल, ये कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि अलग अलग इंडेक्स के अंदर शामिल हो रही हैं, तो हो सकता है सब मिला के कुछ एक तेज़ी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ और खबरों में ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर आप नज़र रखिए, जहाँ पर इन्होंने करार किया है सैम चुन डैंग फार्मा के साथ, एक करार किया गया है कनाडा और US में ऑप्थाल्मिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने के लिए कंपनी ने करार किया है, 6 NDA भी फाइल करेंगे इसके तहत, तो यहाँ पर आप नज़र रखें। अवान ऑफशोर के लिए एक अच्छी खबर है, जहाँ पर प्रमोटर ने 1% जो स्टेक प्लेज रखा था उसको रिवोक करा लिया, छुड़वाया है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर है, हो सकता है कुछ तेज़ी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। बैंक्स पे आप नज़र रखें, जहाँ पर कई सारी बैंक्स ने डिस्क्लोज किया है कि उनका एक्सपोजर है रोटोमैक ग्रुप के ऊपर, जिसमें अलाहाबाद बैंक है, उन्होंने 512 करोड़ के एक्सपोजर की बात की है। बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात मेंशन कर दी कि उन्होंने ऑलरेडी रोटोमैक को NPA कैटेगरी में डाल दिया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। J&K बैंक ने ये बोला कि उनका PNB फ्रॉड मामले में एक्सपोजर है 152 करोड़ रुपए का, तो ये कुछ नए बैंक सामने आए हैं, हो सकता है इनके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा एक अदानी से जुड़ी क्रूशियल खबर है, खबर ये है कि कर्माइकल जो कोल माइन है उसमें कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की योजना है। दरअसल ये वही माइन है जिसके लिए कंपनी अभी फंड रेज कर रही है, और कंपनी की डेडलाइन है कि उन्हें मार्च तक ये फंड प्रोवाइड कराना है, क्योंकि वो फंड अगर प्रोवाइड नहीं करा पाती है तो कंपनी के लिए जो इश्यूज हैं वो बढ़ सकते हैं एक्विजिशन को लेकर, लेकिन वो फंड अरेंज करना दिक्कत होगा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले माइन में कुछ स्टेक भी, एक माइनर स्टेक जो है वो बेच सकते हैं। अभी सिर्फ खबरें हैं, आगे इस पे कैसे कैसे डिटेल आता है क्रूशियल होगा, लेकिन ये अपडेट ये कि 2020 तक भी यहाँ पर माइन में जो कामकाज है वो शुरू होने वाला है, तो ये बहुत टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कंपनी इसको वर्कआउट करती है इस पे जरूर नज़र रखनी होगी, लेकिन अरानी एंटरप्राइजेस पे इसका एक इम्पैक्ट जो है वो जरूर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, तो लंबी है लिस्ट, और साथ ही ये जो निफ्टी में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हो रहा है वो भी एक ट्रिगर तो रहेगा यहाँ पर। राजेश, ये जो स्टॉक्स जो अब शामिल होने जा रहे हैं निफ्टी में, उनमें क्विकली कोई व्यू है आपका? मेर, मुझे इन पर्टिकुलर ग्लेनमार्क अच्छा लगता है। ग्लेनमार्क अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखो तो ये फॉलिंग चैनल के सपोर्ट के नज़दीक है। बहुत अच्छा डिसेंट करेक्शन हमने इसमें देखा, लगभग 650 से लेके 510-520 के आसपास का इसका एक करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि काउंटर में स्ट्रेंथ है, इतना तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि दिस इज अ काउंटर विच इज़ इन माई एक्यूमुलेशन लिस्ट। हम लोग क्लाइंट को यही सलाह दे रहे हैं एक्यूमुलेट करें ग्लेनमार्क फार्मा एट करंट लेवल। स्टॉप लॉस जो पोजिशनल रहेगा 500 के नीचे रहेगा। मुझे लगता है अगर यहाँ पे सब ठीक रहेगा तो कम से कम इसका जो टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा 590 का पोजिशनली। ठीक है अविनाश, बजाज फिनसर्व निफ्टी में आप इंक्लूड होगा, NBFCs पे आपकी क्या व्यू है और बजाज फिनसर्व पे क्या व्यू है?
आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और बजाज फिनसर्व में हम समझते हैं कि फंडामेंटली इनकी जो बिजनेस मॉडल है प्लस इनका जो लोन बुक और एसेट क्वालिटी का स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली स्टॉक को आने वाले साल में और भी स्ट्रेंथन करेगा. बट NBFC में दीवान हाउसिंग के ऊपर भी हमको लग रहा है कि पॉजिटिव रुझान प्ले आउट होना चाहिए. यहाँ पे हमको लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस जो सेगमेंट है वो FY19 में अच्छी तरह से ग्रो होने की क्षमता है और स्पेशली टायर टू टायर थ्री मार्केट्स में दीवान हाउसिंग का जहाँ पे प्रेजेंस है स्मॉलर टिकट साइज में यहाँ पे ग्रोथ अच्छी तरह से देखने को मिलेगी. तो बहुत बजाज फिनसर्व एंड दीवान हाउसिंग पे पॉजिटिव रुझान है. कोई भी करेक्शन या कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए. बिल्कुल. चलिए तो खैर आज कई स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रखनी पड़ेगी हमें इस तरह से, लेकिन एक बार देख लेते हैं समय जो क्यूज़ हैं उसे, बिकॉज SGX निफ्टी पर जो प्रेशर है वो अभी भी कम नहीं हुआ है. 1/4% से ज़्यादा की गिरावट है, 37 पॉइंट्स का ड्रॉप यानी कि SGX निफ्टी पर है अभी भी 10,344 के आसपास. आज IT में अविनाश आपकी टॉपिक कौन सा काउंटर है? IT में इनफैक्ट मीर हमको फ्रंटलाइन में HCL टेक पसंद है और TCS पसंद है. इनफैक्ट HCL टेक की अगर हम वैल्यूएशंस देखें और प्लस जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी पोस्ट उनके Q3 के नंबर्स, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आई थिंक रिलेटिवली अगर हम TCS के मुकाबले में देखें तो काफ़ी रिलेटिवली अंडर प्राइस्ड है. तो HCL टेक में डेफिनेटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से हमने हमारे क्लाइंटों को कहा है कि खरीद ले. प्लस TCS में डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका डिजिटाइजेशन पे फोकस है प्लस जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री है ये भी डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पिक होगा. तो ये दोनों स्टॉक्स IT में हमको पसंद है. ठीक है, PSU बैंक्स पे क्या करें राजेश? कुछ डिटेल्स आ रहे हैं उनके एक्सपोजर जो रॉट हिट कंपनी रोटोमैक पर, प्लस यूको बैंक ने थोड़ी फंड रेजिंग भी की है 6,507 करोड़ रुपये की. क्या स्ट्रैटेजी रहेगी PSU बैंक्स के लिए? देखिए अगर आज के हिसाब से सोचे तो मुझे लगता है कि PSU बैंकिंग में फिर से प्रेशर होगा. बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि जो परसों वाला जो लो है रिसेंट लो है वो ब्रीच करेगा. प्रेशर डेफिनेटली रहेगा लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर जो मार्च की सीरीज़ है उसके हिसाब से अगर सोचे तो मुझे लगता है कि PSU बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो कम्प्लीटली ओवरसोल्ड काइंड ऑफ ए टेरिटरी में है. तो यहाँ से मुझे पर्टिकुलर लगता है कि रिलीफ रैली आनी चाहिए. मे बी वो रिलीफ रैली कुड गेट ट्रिगर्ड बाय सम स्टेटमेंट बाय सम कमेंट बाय द मिनिस्ट्रीज, पर लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली नहीं है. अगर क्लाइंट की पोजीशन है जिसने शॉर्ट इनिशिएट किया है मुझे लगता है कि इनके लिए एक अच्छा टाइम रहेगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवर करना चाहिए. जो कॉन्ट्रा बाइंग करने वाले हैं उनके लिए एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी. बट एट द सेम टाइम जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो परसों का जो लो है कोई भी बैंक ले ले, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, यूनियन बैंक, मुझे लगता है स्टॉप लॉस परसों का जो लो है उसके नीचे मेंटेन करना पड़ेगा एंड दे कैन प्ले फॉर अ टारगेट ऑफ से 6-8%. एक शार्प पुल बैक आएगा. बिल्कुल देखना होगा यहाँ पर रुझान क्या बनता है. लेकिन हाँ, एक तो रुपए पर जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इसका भी इम्पैक्ट है. कल भी हमने देखा था टुवर्ड्स क्लोजिंग, अभी जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं उनके लिए ड्यूअल ट्रिगर हो गया है. एक तो सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, न्यूज फ्लो अच्छा नहीं है, ऊपर से करेंसी का जो मूवमेंट है वो भी इन्हें इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज वहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी है. तो टाइटन पर तो 1% का ड्रॉप था लेकिन कई स्टॉक्स थे जिसमें हमने बहुत नुकसान देखा है. जैसे PC ज्वेलर्स, ये करीब 4.5% नीचे था. गीतांजलि तो है ही डाउन ट्रेंड में, बाकी स्टॉक्स भी हैं जैसे तारा ज्वेल्स, इन सब पर हमने नुकसान देखा है. अविनाश क्या व्यू है आपका यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक ज्वेलर और ज्वेलरी स्पेस में हमको लग रहा है कि टाइटन ही सबसे बेहतरीन स्टॉक है क्योंकि PC ज्वेलर्स और गीतांजलि जेम्स में हम समझते हैं शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा. टाइटन में मुझे लग रहा है कि अगर किसी का लंबा निवेश का विचार है तो मेरे ख्याल से वीकनेस शुड बी यूज्ड टू एक्युमुलेट द स्टॉक. यहाँ पे हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का शिफ्ट जो हो चुका है GST के बाद और डीमोनेटाइजेशन के बाद, इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पे पॉजिटिवली प्ले आउट करेगा. मैनेजमेंट की भी कॉमेंट्री पोस्ट द Q3 नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव थी. तो मेरे ख्याल से टाइटन ही इस स्पेस में सबसे बेहतरीन स्टॉक है. आई थिंक बाकी जो स्टॉक्स है जैसे PC ज्वेलर्स, गीतांजलि, इसको मेरे ख्याल से कोई भी राइज पे एक्चुअली इन्वेस्टर शुड एग्जिट. ठीक है, कॉशियस रहिए ज्वेलरी स्पेस पे. अब बात करते हैं आज की ब्रोकरेज कॉल्स की. हमारे साथ संदीप है. संदीप, आज जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है उनमें से दो की नजर एस्कॉट्स पे है, बताइए क्या कह रहे हैं?
क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है अनिशा, यहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। जो टारगेट प्राइस दिया गया वो 1040 रुपए का है। देखिए वो कह रहे हैं FY19 के लिए जो ट्रैक्टर मांग को लेकर एक तो वो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं और दूसरा मौजूदा स्तर पर जो वैल्यूएशन हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जिस वजह से क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म मेंटेन करते हुए 1040 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, और महिंद्रा सीआई पे भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं? महिंद्रा सीआई के नंबर्स आए थे, हाल फिलहाल मुनाफे में अच्छी ग्रोथ आई थी, दो ब्रोकर्स हैं दोनों पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। कोटक की एक रिपोर्ट आई जो कि एड रेटिंग बरकरार रख रहे हैं, 260 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया। उनका ये कहना है कि यूरोपीय कारोबार के जो मुनाफे में सुधार हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और दूसरी रिपोर्ट आई है सिस्टमैटिक्स की, उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, इनके टारगेट प्राइस और भी ऊपर के हैं, 320 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। उनका कहना है भारत और यूरोप दोनों के जो कारोबार हैं वहाँ पर एक टर्न राउंड देखने को मिला है जो उनको काफ़ी पसंद है, जिस वजह से वो अब भी बाय मेंटेन कर रहे हैं। संदीप, सीमेंट पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, क्या कह रहे हैं वो? देखिए उनका ये कहना है कि बीते 6 महीने में ज़्यादातर जो दिग्गज सीमेंट कंपनियों ने सेंसेक्स को अंडर परफॉर्म किया है और अब यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ ड्रिवन एक प्राइस रैली देखने को मिल सकती है, जिस वजह से उन्होंने सीमेंट की 4 कंपनी जिसके ऊपर बाय दिया है, ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक और डालमिया भारत, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि उनकी बाय लिस्ट में है। लेकिन श्री सीमेंट पर उन्होंने अभी भी अपना जो न्यूट्रल स्टैंस है उसे बरकरार रखा है। ठीक है, श्री सीमेंट्स पे वो न्यूट्रल है। टाटा स्टील पे UBS क्या कह रहा है? देखिए तीसरा दिन है लगातार कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही है जो कि पॉजिटिव साइड पे है। UBS ने इनफैक्ट अब इसकी जो रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, पहले न्यूट्रल रेटिंग थी उसे बढ़ाकर बाय किया और टारगेट प्राइस को भी इंक्रीज किया है, 705 रुपए का टारगेट प्राइस था अब उसे बढ़ाकर 840 रुपए किया है। और इनफैक्ट अगर आप देखें 3-4 ब्रोकर्स की रिपोर्ट कल और परसों भी आ चुकी है जो कि पॉजिटिव व्यू ही मेंटेन कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर। संदीप, एक रिपोर्ट मैक्वायरी की भी ये आई है, इंडिया के ऊपर वो देख रहे हैं कि ग्रोथ में पिकअप आएगा और RBI क्या कर सकता है, क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि FY19 में जो इंडिया की GDP ग्रोथ है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है, 6.7% ग्रोथ जो है वो बढ़कर FY19 में 7.2% हो सकती है। और एक तो कंजम्पशन, दूसरा सरकारी खर्च और तीसरा एक्सपोर्ट्स, ये कहीं ना कहीं इकॉनमी को ड्राइव करते हुए दिखेंगे। छोटे बेस के चलते उनका मानना है कि जून 2018 तक जो महंगाई का ट्रेंड है वो शायद ऊपर की ओर ही देखने को मिले, महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो इस महंगाई को ध्यान में रखते हुए RBI हो सकता है होल्ड पर रहे, कोई भी एक्शन उनकी ओर से ना देखने को मिले, लेकिन हाँ महंगाई बढ़ने का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं RBI के एक्शन में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है संदीप, ये सब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आलोक हमारे साथ मौजूद है ये बात करने के लिए कि अब ऑडिटर्स के रोल पे बहुत फोकस बन रहा है और अब सरकार क्या करने की सोच रही है, बताइए आलोक, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर्स के रोल को भी देखना चाहिए, कैसे इतने बड़े PNB महाघोटाले में ऑडिटर्स को ये नहीं दिखा कि क्या गड़बड़ी चल रही थी, अब सरकार क्या करने जा रही है? देखिए खासतौर से ऑडिटर्स के रोल को लेकर सरकार बहुत ही सख्त है और कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन्स दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार मन बना रही है। और जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है जो कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद से पिछले साल जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ कंपनीज एक्ट में, उसमें खास तौर से ये प्रोविज़न किया गया है कि एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाई जाए जो कि रिपोर्टर्स जो ऑडिटर्स के और पर शिकंजा कसे और साथ ही साथ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका भी ध्यान रखे। तो ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो इन ऑडिटर्स के ऊपर नज़र रखेगी, इनको अगर देखें तो इन पर जुर्माना भी लगाएगी और साथ ही साथ जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 को भी सुपरसीड करेगी। अभी तक ऑडिटर्स के लिए ये होता है कि अगर वो कोई किसी मिसकंडक्ट में या कोई नेग्लिजेंस में पकड़े जाते हैं तो उन पे जो अभी नियम है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत ही होता है, जिसमें बहुत ही कम अमाउंट का उनके ऊपर फाइन होता है। अभी तक मैक्सिमम उसमें 1,00,000 रुपये का फाइन हो सकता है। आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन में जब कई सारे CAs के ऊपर कार्रवाई हुई थी तो अंततोगत्व यही हुआ कि सिर्फ 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगा के उन पर छोड़ दिया गया। लेकिन सरकार अब चाहती है कि ये नहीं हो क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी बात है कि PNB जैसे महाघोटाला जैसे हुआ है इसमें देखें तो आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, पूरे एक पंजाब नेशनल बैंक और पूरे बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिबिलिटी पर दांव पर लगी हुई है। ऐसे में सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सरकार अब पूरा मन बना रही है और जो हमें जानकारी मिली है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो ऑलरेडी प्रोविजन में है उसको जल्द ही सरकार नोटिफाई करेगी और नोटिफाई करने के बाद जो इसके प्रोविजन है काफ़ी सख्त है। इसमें किसी भी एक सिंगल ऑडिटर होगा उसके ऊपर कम से कम 1,00,000 रुपए और इसके अलावा जो उसने फीस ली होगी उसका 5 गुना आपको देना पड़ेगा एज ए जुर्माना। और साथ ही साथ अगर कोई फर्म है या कोई LLP है तो वहाँ पर कम से कम 5,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये और मैक्सिमम
जो 10 गुना उस फी का हो सकता है वो अमाउंट आपको जुर्माने के तौर पर देना होगा, और साथ ही साथ 6 महीने से लेकर 10 साल तक ये उनकी जो मेंबरशिप होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो उनको डिबार कर दिया जाएगा। तो ये बड़े ही सख्त प्रोविजन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में रखे गए हैं, और अगर ये नोटिफाई हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो ये पूरा सिस्टम है, जो जिस तरह से ये ऑडिटिंग का सिस्टम चलता है कि कोई भी कंपनी अपने मन मुताबिक ऑडिटर्स रखती है, अपने मन मुताबिक रिपोर्ट बनवाती है, वो कम से कम खत्म हो जाएगा। और ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये सुओ मोटो भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगी, यानी किसी मामले में उसको लगता है कि यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए तो सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर भी ले सकती है। जी